गुजरात के जूनागढ़ में एक लावारिस गाय अचानक एक सड़क के बीच में आ गई। इस बीच सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर के ड्राइवर ने गाय को बचाने के लिए जोरदार ब्रेक मारा और गाय को ट्रक की चपेट में आने से बचा लिया। घटना के वीडियो में दिखा कि सड़क पार कर रही गाय सामने से आ रहे एक टैंकर को देखकर कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद तेजी से पीछे की तरफ लौटने लगी। इस बीच टैंकर ड्राइवर ने भी अचानक तेज ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर गोल घूम गया। गाय को बचाने के लिए उठाया गया ये कदम घातक भी साबित हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और कुछ देर सड़क किनारे खड़े रहने के बाद टैंकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। पूरे उत्तर भारत की जनवरी में जमा देने वाली ठंड पग का सामना करना पड़ रहा है। अनुमान यह है कि मौसम का ये हाल अभी कुछ दिन और बना रहेगा। दिल्ली समेत NCR के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरस रहे हैं, जबकि पहाड़ एक बार फिर बर्फ से ढक गए हैं। जिनमें सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद एक बार फिर कई फीट मोटी बर्फ की चादर पहाड़ों पर जम गई। नेशनल हाईवे पर दूर दूर तक केवल बर्फ दिखाई दे रही है। ट्रकों के आगे खास तरह की मशीन लगाकर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ की परत इतनी मोटी है कि रास्ते खोलना सरकारी एजेंसियों के लिए मुसीबत बन गया। पहाड़, पेड़, सड़कें, मकान, गाड़ियां, सब कुछ बर्फ से ढक चुके हैं। अनुमान यह है कि बर्फबारी का ये दौर 24 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए बर्फबारी और बर्फीली हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया था, और मौसम विभाग का अनुमान इस बार भी सटीक साबित हुआ। इस बार आए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फीला तूफान भी आ सकता है। लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी अब लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई। राजौरी में रुई की तरह दिखने वाले बर्फ के टुकड़े लगातार बरस रहे हैं। सड़कों पर बर्फ जमी, घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को छतरी का सहारा लेना पड़ रहा है। बर्फ की वजह से लोगों का सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। जो गाड़ियां सड़कों पर निकलती भी हैं, उन्हें बेहद सावधानी से धीमी रफ्तार में रास्ते तय करने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन का भी हाल ऐसा ही है। बर्फ की कई फीट मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फ हटाने के लिए कई मशीनें एक साथ लगाई गई। बर्फ की कई फीट मोटी चादर की वजह से ही जवाहर टनल भी बंद हो चुका है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार मौसम ने केवल करवट ली है। तापमान जरूर गिरा है, लेकिन पहाड़ों पर अब तक बर्फ नहीं गिरी। और दिल्ली NCR में हफ्ते की शुरुआत होते ही बारिश शुरू हो गई। हालांकि एक दिन पहले तक लोगों को लगने लगा था कि सर्दी अब खत्म हो गई, लेकिन सोमवार को दिल्ली समेत पूरे NCR के लोगों को सूरज नहीं दिखा। धूप निकली नहीं और आसमान बादलों से घिरा रहा। दोपहर होते होते दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज बरसात शुरू हो गई। मौसम ने करवट ले ली है और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश दर्ज की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है सरोजनी नगर में, जहां काफी तेज बारिश हो रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर बरसात होती रही। सुबह से ही मौसम लगातार बादलों की आंख मिचोली के बाद बना और अब इस वक्त झमाझम बारिश दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में हो रही है। दिल्ली में कई जगहों पर तो बारिश के बाद लोग सड़कों पर ही फंसे रह गए। इस वक्त मैं गाजीपुर रोड मयूर विहार फेज 2 पे मौजूद हूँ, जहाँ अगर आप सड़कों पे देखें तो अचानक बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आने लगी हैं। लेकिन दिल्ली NCR पर अगले कई दिन तक इसी तरह बादलों का साया रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे हफ्ते मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिल्ली के मौसम पर हुआ है, जिसकी वजह से पूरे हफ्ते दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, अधिकतम तापमान 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन 22 जनवरी से 27 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है और इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 7 से 9 डिग्री के बीच ही बना रहेगा। सबसे बड़ी आफत बारिश की है, क्योंकि 26 जनवरी तक ज्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी होती रहेगी।